आज देखिए हमारा इतना कुछ भी बन गया, तीन टपक गया, चार टपक रहा है। ये देखिए इस तरह से आ रहा है ये। दोस्तों अभी देख पा रहे हैं मम्मी और बिनू दोनों लोग जो है बढ़िया कुसली बना रही हैं, और 26 साल पुराना कढ़ाई में। टेस्ट बताइए कैसा है? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। ठीक ठाक होंगे दोस्तों। पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि हम लोग बढ़िया गाँव में आ चुके हैं और मस्त गए थे तोड़ने बैर, है ना जी? कितना तोड़े थे? तोड़े नहीं थे, वो अपने आप गिरा हुआ। हाँ गिरा था जी जी बिल्कुल। क्या था कि बहुत ज़्यादा धूप आंधी तूफान चला था, आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और उसके साथ हवा भी चला था रात में, तो हम लोग का इधर बैर का पेड़ है 3-4 ठो मस्त गिरा था सुबह। हम और ये गए थे, भाई गया था बिन्नी, मज़ा आ गया ना जी। अच्छा, और उसको हम लोग को भी सुखवाना है छत पे उधर, नहीं? अच्छा अभी रखी है वहीं पर, अभी आंगन में रखी हुई है। और दोस्तों आज हमारे यहाँ स्पेशल चीज़ एक बन रहा है बढ़िया। क्या बन रहा है? कुसली। तो दोस्तों आज चलिए आपको दिखाते हैं पूरा, मतलब कैसे बनाती है मम्मी, बनाएंगे और ये भी बनाएंगे सास और बहू। उसका मसाला पहले मम्मी तैयार करके रख ली हैं, पहले रख ली हैं वो, मतलब होली के दिन ही तैयार करके रखी थी। अच्छा उसी दिन? लेकिन वो क्या कहते हम लोग नहीं थे ना, तो हम लोग के लिए रखी हुई थी, मौसी मतलब भिजवाई थी अपने घर तैयार करके। अच्छा अच्छा, तो रखा हुआ था तो उसी को बनाएंगे, अलग से मसाला तैयार नहीं करेंगे। अच्छा अच्छा, तब तो ठीक है, मम्मी ऑलरेडी बना के रखी हुई है मसाला, और बस दिखाएंगे आप लोगों को कैसे बनाते देहाती लोग वो कुसली। ओके चले चले। तो दोस्तों चूल्हा में आग लगाने के लिए मम्मी अंदर से लकड़ी लाई हैं। ये कहाँ से लाए हैं? अंदर से, क्योंकि अंदर में खाना बनाई थी वहाँ पे अंधेरा था, इसलिए बाहर आग जला रहे हैं। अच्छा बाहर बनाएंगे ना। हाँ तो ये देख पा रहे हैं आग जला रही हैं और लगा दी हैं, बढ़ जाएगा कुछ टाइम से। और यहाँ पे देख पा रहे हैं मम्मी जो है बनाएंगी, पापा खाना खा रहे हैं, और यहाँ इसमें रखेंगे साड़ी के टुकड़े में। साड़ी के टुकड़े में इसमें क्या क्या है मम्मी? इमा डारा है नारियल, सूजी, तिली, गुड़, शक्कर, मूंगफली, सब डाला है, सब कुछ डाला है। मम्मी अब लोई काट रही है छोटी छोटी, फिर लोई काटने के बाद इसको बेल के रोटी बना के रोटी जैसे, फिर उसे मसाला भरेंगे। बिल्कुल, तो अभी देखिए आटा लपेट के ये लोई तैयार, इस टाइप के लोई तैयार करते हैं। अभी इसको बेलेंगे ना, इसको बेलेंगे, बड़ी करेंगे, बस 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 ज़्यादा पतला कर रही हैं बस, और मोटा कर और लंबा करेंगे, नहीं इतना ही करिए। अब देखिए क्या डाल रही है मसाला, इस तरह से डालते हैं, फिर इसको मोड़ के हाथ में दबा देंगे इसको ऐसे। जल्दी जल्दी बनाइए, भूख लगी है बहुत। बन रहा है, देखो कैसे बना रही है। ऐसे बना लोगे? देसी कुसुमी ऐसा ही बनाता है, मैं बना लूंगी, मेरे से आता है। तो दोस्तों ये हुई, अब इसको चिपका के अब साड़ी के टुकड़े में रख देंगे, बहुत सारा इकट्ठा बना लेंगे, इसके बाद फिर छनाई स्टार्ट होगी। बिल्कुल, तो अभी देख रहे हैं दोस्तों बना रही है मम्मी, बेल रही हैं, और फटाफट वही प्रक्रिया सब में होगा, मसाला डाल के और क्या करेंगे इसको ऐसे दबा देंगे उंगली से। अरे डिजाइन, मतलब डिजाइन डिजाइन बना रहे हैं। गाँव में कुसली कैसे बनाते हैं दोस्तों, आपने देखा इस तरह कुछ करते हैं। और फिलहाल ये हुई, ये रख देते हैं। अब भाई यहाँ पे खाना खा रहा है, इतना कुसली बना है फगुआ, कहीं बाबू जी नहीं आ रहे हैं, कहीं बना दे तो हम खा ले, हमारा जीव सही लाग है। तो दोस्तों देख पा रहे इतना ज्यादा जो है बनाई है क्वांटिटी में, और इसको भी हम लोग तेल से फ्राई करेंगे। चलिए चलिए बनाइए बनाइए, आग जल रहा है इधर, अभी आग भी नहीं जल रहा अच्छे से दोस्तों। अब तेल भी निकाल चुके हैं मम्मी, और ये वाली कढ़ाई से बनेगा ना, लोहा वाला? लोहा वाला कढ़ाई से बनी तो जल्दी हुई। बिल्कुल, तो दोस्तों देख पा रहे हैं ये वाली जो कढ़ाई है जली वाली एकदम, कई साल की पुरानी कढ़ाई, यह लागत है कि 25-26 साल की हुई। 25-26 साल पुरानी कढ़ाई, आग जल रहा है बढ़िया। तो ये अब डाल रहे हैं तेल, गर्म हो गया होगी कढ़ाई, छेद ही थोका। तो दोस्तों देख पा रहे हैं जो कढ़ाई है एक साइड छेद है, तो टेढ़ा मेढ़ा करके बनाना पड़ता है ये। दोस्तों अभी देख पा रहे हैं मम्मी और बिनू दोनों लोग जो है बढ़िया कुसली बना रही हैं, और 26 साल पुराना कढ़ाई में सहो नहीं आ, सब पलटा दी मिया, पलटा दिए जी, का है बहू के गलती सहो नहीं आई, पलट गए तो मैं क्या करूँ, तो सब खास के समेट के लाए रहे, सब मसाज आता बनाते बनाइए बनाइए। तो दोस्तों ये देख पा रहे हैं बढ़िया बन रहा है हमारे यहाँ कुसली, ना ना घर जा रहे हो जी ना अंकुश? अच्छा दवाई करा ले। आज देखिए हमारा इतना कुसली बन गया, तीन टपक गया, चार टपक रहा है, मम्मी पलटा रही है, मैं डाल दी हूँ बस, ऐसे नहीं बनता, चाची इनके ध्यान पहुँच गई, हो जाए। तो ये देखिए ये भी पक चुका है, ये
और चार पक गया, तीन तो बाकी अभी पक रही है और इतना अभी बाकी है पूरा। फूट गई था दिया हुई जी, तेल खराब हो जाएगा, एक तो फूट गया अच्छे से नहीं दबा। अब मम्मी डाल के बना रही हैं, इस बार 5 डाली हैं, मैं कम डाल दी, 6 डाल दी, छोटी 6 पक जाएगा, मैं थोड़ा कम कम डालती थी। तो उसे बनता है नहीं यार, ना सीधी में रहता है ना, तो कुछ काम तो नहीं बना नहीं कहा। क्या करे, सीखेंगे अब गांव में आ गए ना, तब सीखा सब काम। अब ये पुरानी इतना सारा पक गया है और अब ये पक रहा है, ये देखिए इस तरह से आ रहा है ये। अब इतना बचा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चा है और 2 पूड़ी बनेगी। अब तक उसमें मधु पूड़ी बन, अंशु खाई, अंशु के लिए बन रहा है पूड़ी, पूड़ी अंशु के लिए बन रहा है, ये हम लोग के लिए बन रहा है। हमारे घर में छोटे से बाबू देखे कुछली खा रहे हैं। काजी अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है खाने में। हाँ अभी ना करो, ये जा रहे अपने नानी घर, इसलिए ज्यादा कुछ खुश हैं आज, तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। गर्म है तो देखे फूक फूक खा रहे, फिर से फूक दो, फूको नहीं फूकोगे, देख लिया अपने आप को, फूको नहीं फूकना है अब। अब देखिए फूंक चुका, थोड़ा सा खा लिया, अब उसको खाने का मन नहीं है, इसलिए भी फूंक रहा है, भाग रहा है देखिए। फाइनली दोस्तों कुशली बनके हो गई रेडी, देख पा रहे हैं तीन ढेर वाली कुशली, सींग वाली, एक मैं रखा हूँ और एक ये, और देख पा रहे हैं चावल दाल और ये बढ़िया चटनी टमाटर की, और इसको ऐसे बना दे खींच रहे तितली उड़ो ये। बिल्कुल इस टाइप वाला बनाए हैं और बहुत ही टेस्टी है दोस्तों, बहुत ही मस्त है, और काफी भी आप मतलब आप भी ट्राई करिएगा, बता दीजिए कैसे बनाते हैं। मेरे से क्योंकि बनता नहीं है, मम्मी बनाई है और मोड़ी भी मम्मी है इस टाइप का, मेरे से कुछ, मैं सिर्फ उसमें तेल में छानी बस हूँ, बिल्कुल मेरे से आगे नहीं आता, फिर एक आध बार मम्मी से पूछूंगी कैसे बनता है फिर बनाऊंगी, तो उसका पूरा रेसिपी जो है आपको बताएंगे दोस्तों। फिलहाल अभी आपने देखा होगा जैसे भी बनाए होंगे तो आप उसे बना सकते हैं, लेकिन जो उसमें मसाला मिलाते हैं क्या क्या डाले थे उसमें, पता नहीं सुबह का डाला है, मुझे नहीं पता। फिलहाल दोस्तों टेस्ट करते हैं और काफी अच्छा है, और नेक्स्ट टाइम आपको पूरा रेसिपी बताएंगे। ओके टेस्ट बताइए कैसा है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा है, वाह बहुत बढ़िया, डाल चाहिए आपको। और मैं कुछ अर्जेंट काम से दोस्तों अभी टिकरी जा रहा हूँ, देख पा रहे हैं, और बाद में आऊंगा तो खाऊंगा, तो दाल आपको चाहिए। ओके दाल देख पा रहे हैं दोस्तों, हमारे यहाँ दाल चावल बना हुआ है,